थर्ड फ्लोर होते हैं यहाँ पे अपार्टमेंट्स में, पता नहीं क्यों इसका रीज़न क्या है, पर मैं जो है आगे आपको बताऊंगा इसका रीज़न क्या है, क्यों डोर दो होते हैं। तो ये दूसरा डोर मैंने खोला, मेन डोर, ये देखिए, ये हम निकल गए हमारे अपार्टमेंट से बाहर। तो आज जो है वेदर काफ़ी ठंडा है, नेगेटिव में 2 टेम्परेचर है यहाँ पर, फील लाइक 6 है। आपको दिखाऊंगा मैं जहाँ पे रहता हूँ इस एरिया में कैसे जो है लोग यहाँ पे रहते हैं ठंड में, इतनी ठंड में। फिलहाल तो कोई लोग बाहर नहीं निकलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। ये देखिए मेरे पीछे, तो मैं पैदल जाऊँगा आज मार्केट, तो आपको दिखाऊँगा कि रास्ते में कि मेरे अपार्टमेंट से कितनी दूर है मार्केट। ठंड में सिर्फ ऐसे यहाँ पे लोग नहीं दिखते, सिर्फ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखती हैं। जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो सभी अपने अपार्टमेंट में होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है टेम्परेचर माइनस में ज़्यादा ही होता है, कुछ उसकी वजह से लोग बाहर निकलना अवॉइड ही करते हैं। कोई लोग नहीं दिखेंगे आपको, सिर्फ ऐसे गाड़ियाँ ही दिखेंगी। मैं ही हूँ जब बाहर निकला हूँ, क्योंकि मैंने मार्केट जाना था। अभी मेरे पास गाड़ी वगैरह नहीं है, क्योंकि मैं रिसेंटली अभी यहाँ पर आया हूँ, तो अभी मेरा रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है यहाँ पर, जिसको DP भी कहते हैं। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही गाड़ी जो है मेरे नाम पे रजिस्टर हो सकती है, उसके बिना कोई काम नहीं होता। पीछे यहाँ पे सारा कुछ ऑनलाइन है, यहाँ पे सारा कुछ गवर्नमेंट की देखरेख में ही होता है। आप यहाँ पर ना कोई कैश में काम मिलता है ना कुछ, जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता ना आप कोई काम कर सकते हो, ना आप बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो। बैंक अकाउंट के बिना कोई जॉब नहीं देगा। जॉब करने के लिए आपको DP भी चाहिए, और उसके लिए आपको प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिस पे मेंशन होता है हर चीज़, कितनी सैलरी, कितने टाइम, जो भी होता है कॉन्ट्रैक्ट में। अभी हमें मिला नहीं है इसलिए हम उसके लिए कुछ नहीं कह सकते, तो जब हमें मिल जाएगा हम आपको बताएंगे। मैं हूँ यहाँ पर सारी रस्तीला हेलसिंकी में, यहाँ पर नज़दीक हूँ बिल्कुल सी के, और जो सी है, जो बीच है, वो भी फ्रोज़न हुआ हुआ है, इस टाइम जमा हुआ है आगे से। तो मैं वहीं पर जा रहा हूँ, मैं जहाँ से चल के आया, ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है जो मतलब पैदल चलने वालों के लिए है। तो यहाँ पे भी पैदल चलने वालों को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है, जब भी जाना है आपने क्रॉस करना है तो इसी ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना है, और अदरवाइज आपको जो है 100 यूरो तक का फ़ाइन पे करना पड़ सकता है, जो गवर्नमेंट के एज़ पर लॉ जिसको कहते हैं, इन्होंने लॉ बनाया हुआ है इसका। तो ये नहीं है कि आपको गाड़ी में जा रहे हो तो ही आपका चलान होगा, आप पैदल जा रहे हो तो आपका पैदल भी चलान कर सकते हैं अगर आप गलत जगह पर चलोगे तो। तो ये है फ्रोजन सी मेरे बैक साइड पर, आप देख रहे हो। ये जो है यहाँ पे लोगों की जो है यहाँ के गोरे हैं फिनिश, उनकी पर्सनल जो है बोट्स लगती हैं, यहाँ पर जा जाएंगी तो यहाँ पे सबकी बोट्स लग जाएंगी। पीछे बिल्कुल ये सारा बीच है, बीच का एरिया है वो, पीछे जहाँ तक पेड़ दिख रहे हैं आपको वहीं तक। मैं आपको बैक कवर करके दिखाता हूँ, ये सब सी का पार्ट, जितनी दूर तक देख सकते हो आप उतनी दूर तक देखोगे। तो ये सारा जमा हुआ है, फ्रोजन है इस टाइम पे, तो गर्मी में ये सारा यहाँ पर पानी पानी होता है, तो यहाँ पे लोग भी दिखेंगे आप। मैं अंदर की तरफ नहीं जा रहा, शायद पीछे अभी बारिश हुई थी तो इतना मोटा नहीं होगा परत अभी कि ऊपर चला जाए। पहले तो यहाँ पे लोग दिखाई देते थे, अपने डॉग्स वगैरह को लेके आते थे यहाँ पे घुमाने के लिए, और स्कीज़ वगैरह भी कर रहे होते थे, बट अभी यहाँ पर कोई नहीं है तो शायद रिस्की होगा जाना। पानी भी दिखने लग गया आप, तो इतनी थिन लेयर होगी, तो जाना सेफ नहीं होगा। अगर मैं पानी में जाता भी हूँ तो शायद उससे तैरा भी ना जाए, इतना ठंडा होगा ये पानी। मेरे बैक साइड पे आप देख रहे हो ये पार्किंग है रोड के साइड पे। आप ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से कहीं भी पार्क कर सकते हो, यहाँ पे कोई VIP पार्किंग का कल्चर नहीं। तो एक जो टाइमर है वो आपको गाड़ी में हमेशा रखना पड़ता है, तो आपको गाड़ी में जब भी आप निकल के जाते हो, जैसे आप मानिए दोपहर के अभी 1 बजा होगा या 2 बजे होंगे, आप 2 बजे से गाड़ी में निकल के जा रहे हो तो आप 2 बजे लिख दोगे यहाँ पे कि मैंने 2 बजे आके यहाँ पे गाड़ी पार्क करी है। शाम को 6 बजे तक आप यहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हैं। हाय, तो हम मार्केट आए थे, तो हमारा ये है बहुत सारी मेट्रो स्टेशन है यहाँ के जो बेसमेंट में। तो ये एंट्री है इसकी, इसका नाम है कोलंबस। यहीं पे हमने जाना है, कहते हैं कि लीडल है जो सबसे सस्ती मार्केट है यहाँ पे। आपको दिखाऊंगा अंदर चल के, ये अंदर एंट्री है, ये देखिए ये मेन डोर इसका, और ये जो है सेकंड डोर। हर जगह यहाँ पर जो है 2 डोर है। आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ मैं यहाँ की मार्केट, जो मेट्रो स्टेशन है नीचे उसके ऊपर मार्केट बनी हुई है। ये है मार्केट, एस मार्केट, ये है फार्मेसी, ये है फ्लावर शॉप, नहीं
यहाँ पीछे मेरे स्टोर, यहाँ पे लोग शॉपिंग करने आते हैं। इस तरह का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है ये, ब्यूटी शॉप्स। और दिखाता हूँ आपको, ये कॉस्मेटिक का हो गया। यहाँ पे जो है सब कुछ स्टोर पे मिलेगा आपको, ऐसे गलियों में कोई दुकानें नहीं है। रेस्टोरेंट्स हैं बहुत सारे, वहाँ पे आप इन्जॉय कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के। बट ये सब जो है मार्केट बनी हुई है पूरी, जो वो सारी मैंने बताया आपको। मेट्रो स्टेशन है इसके नीचे और ऊपर। और यहाँ पे जो बात करते हैं अब इनकी, जो वाइन की है, वाइन शराब जो जिसको शराब कहते हैं हमारे देसी भाषा में, तो जो उनके भी यहाँ पे ठेके हैं, इसको एल्को के नाम से जाना जाता है। तो उसमें भी जाएंगे, दिखाएंगे आपको, उनकी भी टाइमिंग होती है, वो भी सब आपको बताऊँगा, एक अलग से वीडियो बनाएंगे जब। तो अभी मैं आया था लिडल कुछ सामान खरीदने खाने का, तो ये मैं लिडल के पास पहुंचने वाला हूं। फिर आपको दिखा, ये आ गया लिडल जहां हम आए थे। तो यहीं पे है ग्रोसरीज मिलती हैं। और कल हम आए थे पाजी के साथ एक और स्टोर में, तो नाम पता नहीं क्या है वहां पे, जो किचन वगैरह का सामान होता है। ये हम एंटर कर रहे हैं लिडल में। ये हम एंटर करके, यहाँ पर एंट्री करने का एक पॉइंट बना हुआ है, और उसके बाद बिलिंग काउंटर के बाद जो है आप एक्सिट कर सकते हो यहाँ से। तो ये है आपके ग्रोसरी स्टोर, दिखाता हूँ आपको वीडियो एंट्री की। और यहाँ पे जो बकेट है ये पड़े होते हैं, जिसमें आपको सामान रखना है अपना। ये निकाला, एक छोटा भी है एक बड़ा भी है। ये टायर वाला था, मुझे सामान लेना था तो फिर मैंने ये ले लिया। ये थी सबसे पहले जो है फ्रेश वेजिटेबल्स, आपको दिखाऊंगा बाकी की। ये हम मार्केट से बाहर निकल चुके हैं, और ये हमने शॉपिंग जो है कर लिया। और अगले ब्लॉग में आपको मार्केट बताएंगे कौन कौन सी यहाँ पे मार्केट है, कहाँ कहाँ से शॉपिंग कर सकते हो आप, कहाँ से ग्रोसरी, जो मंथली हम ग्रोसरी लेने आते हैं, कहाँ पे सस्ती है, कहाँ पे बढ़िया सामान मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में यही बताऊँगा आपको सारा कुछ, तो सब एक्सप्लोर करके। चार जो मेन है, प्रिज्मा है और लीडर है और एस मार्केट और के मार्केट, ये चार मार्केट है, यहीं से जो ग्रोसरी है लेते हैं सभी। तो बाकी आपको जो है डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बने रहो मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।